हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो हमारा हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप आता है उसकी वायरिंग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे और उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सोडियम वेपर लैंप की। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन लिया है 150 वोल्ट का हाई सोडियम वेपर लैंप। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, उसको फिट करने के लिए हमें एक होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको फिट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिरामिक टाइप का होल्डर आता है, जिसको हम स्क्रू टाइप होल्डर भी बोलते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में से इस टाइप के होल्डर के अंदर जो है वो स्क्रू टाइप के यहाँ पे आपको इसके अलाइनमेंट दी गई है, जिसके अंदर हमें इसे फिट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमें चाहिए एक बेलास्ट, जिसे हम चौक भी बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो चौक लिया है वो क्रोमटन कंपनी का है, जो कि यहाँ पे 150 वोल्ट सोडियम लैंप और मर्क्यूरी हैलाइड लैंप है, उन दोनों के लिए यहाँ पे हमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो चौक है उसके अंदर चार टर्मिनल आते हैं, कॉमन, इग्नाइटर, 220 और 240। तो यहाँ पे दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो हमारा चौक है वो दो टाइप के आते हैं। एक ऐसा होता है कि जिसके अंदर तीन ही टर्मिनल दिए होते हैं, मतलब यहाँ पे कॉमन 220 और 240, और कई बार यहाँ पे चार टर्मिनल दिए होते हैं। तो जहाँ पे जो चार टर्मिनल वाला हमारा चौक होता है उसके अंदर यहाँ पे जो कॉमन और इग्नाइटर वाला जो टर्मिनल आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन किया हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद हमें चाहिए होगा एक इग्नाइटर। तो इग्नाइटर जो है दोस्तों, उसका यूज़ हम लोग जो हमारा लैंप है उसको यहाँ पे हम इग्नाइट करने के लिए करते हैं, उसके नाम से ऊपर ही उसका यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लैंप है वो हाई प्रेशर सोडियम का बना होता है, जिसके अंदर हमें स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज देने होते हैं। तो जो हाई वोल्टेज का स्पाइक आता है उसको लगाने के लिए यहाँ पे हमें एक इग्नाइटर चाहिए होगा, वो भी मैंने क्रोमटन कंपनी का ही लिया हुआ है। तो दोस्तों, जो इग्नाइटर आता है नॉर्मली वो उसके अंदर तीन वायर आते हैं, रेड, येलो, और कई सारी कंपनियां जो है वो ब्लू कलर का वायर देती है, कई सारी जो कंपनियां है उसके अंदर ब्लैक वायर आता है। तो हमें ये तीन टाइप के यहाँ पे वायर मिलेंगे इसके अंदर, जिसका हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर भी हमें रेंज दी होती है। तो यहाँ पे जो इस टाइप का चौक है आप उसका यूज़ यहाँ पे आप 50 वोल्ट के लैंप के लेकर यहाँ पे आप 400 वोल्ट तक का लैंप जो है उसके अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए होगा एक कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर जो है हमारा वो 15 माइक्रोफेराडे का है, और उसका यूज़ हमें यहाँ पे करना है। तो उसके अंदर हमें दो टर्मिनल दिए होते हैं। अब दोस्तों, इन सब का कनेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नज़दीक से दिखाने की ट्राई करता हूँ मैं। जो हमारा फेज वाला वायर है वो सीधा जाएगा हमारा बेलास्ट यानी चौक है उसका पहला वाला जो टर्मिनल है वो 240 वोल्ट का है, उसके अंदर हमारा फेज वाला वायर जाएगा। उसी के अंदर से जो हमारा इग्नाइटर है उसके तीन टर्मिनल निकलेंगे, रेड, येलो और ब्लैक। तो यहाँ पे रेड वाला वायर जो है वो 240 में जाएगा, येलो वाला वायर है वो 220 में जाएगा, और ब्लैक वाला वायर है वो हमारा न्यूट्रल वाली लिंक में जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हमारा कॉमन और इग्नाइटर का जो टर्मिनल है वो इंटरनली शॉर्ट है, मतलब यहाँ पे जो कॉमन टर्मिनल है उसमें से एक वायर निकलेगा, वो सीधा जाएगा हमारा HPSV लैंप के होल्डर के पहले सिरे में। उसी में से जो होल्डर है उसका रिटर्न वायर निकलेगा न्यूट्रल वाला, वो जाएगा हमारा रिटर्न न्यूट्रल लिंक में। और इन दोनों के बीच यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा सोडियम वेपर लैंप है उसका पावर फैक्टर बहुत ही ख़राब होता है। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ना पड़ता है, जहाँ यहाँ पे हम पैरेलल में जोड़ेंगे। तो दोस्तों, इसका प्रैक्टिकल जो वायरिंग है वो मैंने पहले से ही करके रखा है, आपको मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारा समय जो है वो बचे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो हमारा चौक है उसके अंदर यहाँ पे मैंने ये हमारा जो मेन सप्लाई का टर्मिनल है, यहाँ पे से रेड वाला वायर जो है वो इंटरनल यहाँ पे जा रहा है, और उसी में से एक रेड वाला वायर है वो जो गया है वो हमारा इग्नाइटर का रेड वाला वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद उसके जो बाजू वाला टर्मिनल है यहाँ पे येलो वाला सिरा गया है जो इग्नाइटर का है, और उसके बाद तीसरा टर्मिनल खाली रहेगा, और चौथा टर्मिनल जो है कॉमन का, उसमें से वायर निकलेगा वो सीधा जाएगा हमारा लैंप के अंदर, और लैंप में से जो रिटर्न वायर निकलेगा ये वाला वो हमारा न्यूट्रल लिंक होगा। तो उसमें से हमें दो टर्मिनल जोड़ने पड़ेंगे, एक तो है वो हमारा कैपेसिटर का एक टर्मिनल होगा,
जो यहाँ पे डायग्राम में ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक हमारा जो इग्नाइटर है उसका ब्लैक वाला वायर है वो भी इसके साथ जुड़ेगा। वो दोनों को मैंने लिंक करके यहाँ पे एक ब्लैक वाला वायर जो है वो रिटर्न में निकाला है। मतलब हमारा दो सिरा यहाँ पे मिलेगा हमें, एक जो है वो चौक में से मिलेगा, दूसरा जो है वो यहाँ पे न्यूट्रल लिंक में से। तो अब मैं यहाँ पे टेस्ट लैंप जो हमारा बोर्ड है यहाँ उसके साथ इसको जोड़ के मैं आपको इसको चालू करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों सोडियम वेपर लैंप जो आता है हमारा वो स्टार्टिंग में जो है वो स्टार्ट होता है, तब धीरे धीरे गर्म होता जाता है और स्टार्टिंग में जो है थोड़ा पिंक शाइनिंग देता है, उसके बाद एकदम फुली ग्लो होने के बाद एकदम येलो ब्राइटनेस देता है हमें। तो उसको मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लैंप है मैंने स्टार्ट कर दिया है और लैंप में आपको धीरे धीरे से यहाँ पे येलो शाइनिंग मिलेगी। यहाँ पे स्टार्ट हुआ तब थोड़ा सा वाइट था, उसके बाद थोड़ा पिंक कलर दिखा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो फुली ग्लो होगा आप देख सकते हैं एकदम येलो ब्राइटनेस दिखेगा आपको। नॉर्मली दोस्तों जो सोडियम वेपर लैंप है उसका यूज़ हम लोग बड़े एरिया में जहाँ पे लाइटनिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब हाईवे में या फिर बड़ी जो टेरेस वगैरह होते हैं उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं इसको, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वगैरह जो है उसके ऊपर। अभी हाल में इसका यूज़ हम कम करते हैं, इसकी जगह हम LED लाइट का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे गर्म होता जाएगा उसके बाद उसकी रोशनी जो है उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक बार ये गर्म हो गया है तो उसके बाद जब इसको पहली बार स्टार्ट करते हैं तब थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन जैसे ही पहले वो गर्म हो जाता है उसके बाद हम लोग इसको एक बार बंद करेंगे और फिर से चालू करेंगे तो उसके बाद वो कम टाइम लेगा क्योंकि वो पहले से ही इग्नाइट हो चुका है। अब इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको मैं बंद करके फिर से इसको चालू करके दिखाने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसका सप्लाई अभी बंद कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी बंद हो गया है। जैसे इसको स्टार्ट करता हूँ तो वहीं से इसका जो है वो ब्राइटनेस फुली ग्लो हो रहा है, क्योंकि एक बार ये गर्म हो गया उसके बाद इसे चालू होने में जो स्विचिंग टाइम है वो एकदम कम लगता है। तो दोस्तों ये था हमारा हाई सोडियम वेपर लैंप का प्रैक्टिकल का कनेक्शन का वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।